हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 3 है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी कर दी है। चैप्टर अच्छे से समझा दिया, एकदम ब्रीफ में सारे फैक्टर्स क्लियर कर दिए हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टर्म 1 है वो क्या हो रहा है, उसमें हमारे MCQs आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के मैंने MCQs कंप्लीट कर दिए हैं। जो हमारा चैप्टर 3 है उसके भी MCQs मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो टर्म 1 MCQs जो है हमारे चैप्टर 3 के, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मैं, मनी हेल्प्स टू ब्रिंग डैश एंड ओरिजिनेशन टू आवर इकोनॉमी। जो मनी है वो हमें क्या हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी में, ओरिजिनेशन में होने में, और किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स लाता है। नहीं, मनी से तो सारी चीज़ें क्या हुई हैं, सिंपलिसिटी आई है। मनी से सारी चीज़ें क्या हुई हैं, बहुत ही ईजी हो गई हैं। सिंपलिसिटी आई है यानी कि सिंपल हो गई हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपलिसिटी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम, इश्यू सारे एक ही चीज़ें हैं। तो मनी से कोई भी परेशानी नहीं आई है, मनी से सारी चीज़ें सिंपल हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय पीपल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज, यानी कि जो भी चीज़ लोगों ने क्या करी है, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करी है, तो वो क्या हो जाता है, बार्टर सिस्टम होता है, कमोडिटी मनी होता है, सिंबॉलिक करेंसी होती है, फिर मनी होता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारा मनी। तो लोगों ने जिस भी चीज़ को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, वही क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा मनी हो जाता है। तो मनी मस्ट बी डैश, यानी कि मनी मस्ट बी, यानी कि मनी कैसा होना चाहिए, रेडिली एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेड, वेस्टेड और नन ऑफ दी अबव। तो मनी क्या होना चाहिए, हर किसी इंसान के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि हर कोई अगर मनी को एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो मनी रहेगा ना। कि आधे लोग तो कहते हैं कि हम गांधी जी के नोट को पैसा मानेंगे, आधे कहते हैं नहीं मानेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो मनी क्या होना चाहिए, हर कोई एक्सेप्ट करे, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो मनी मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द फंक्शन ऑफ मनी इज और आर, यानी कि जो फंक्शन, जो मनी है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कोई एक ही फंक्शन है इन तीनों में से या फिर सारे ही फंक्शन है। तो द फंक्शन ऑफ मनी इज रेडिली एक्सेप्टेबल, तो यस। स्टैंडर्ड वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, तो यस। मैंने चैप्टर में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है इन तीनों फैक्टर्स की, तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले चैप्टर पढ़ें, उसके बाद अपना टेस्ट यहाँ पे लें। तो फिर रेडिली एक्सेप्टेबल, स्टैंडर्ड वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, तो तीनों ही फैक्टर्स क्या है हमारे, तीनों ही हमारे मनी के फंक्शन है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। तो यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू से आपकी क्या समझ में आता है, स्टैंडर्ड ऑफ क्लास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ क्लास होती है हमारी कि हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, तो ये तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू की मतलब क्या होती है, प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट। जब हम क्या करते हैं, हर किसी प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज की कर देते हैं, एक प्राइस सेट कर देते हैं कि ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है। जैसे ये पेन है, अब मैं इसका एक प्राइस सेट कर दूँ कि 5 रुपये का आता है या 10 रुपये का आता है, तो मैंने क्या किया, एक प्राइस सेट कर दिया ना। तो वही क्या है, इस पेन की एक स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू है या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो प्राइस जब क्या हो जाता है, हमारे सारे गुड्स और सर्विसेज के सेट हो जाते हैं, तो वो हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू हो जाता है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे दे रखा है, डज कमोडिटी कैन स्टोर फॉर फ्यूचर एज मनी, यानी कि जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, क्या हम उन्हें एज फ्यूचर, यानी कि जो हमारा फ्यूचर है भविष्य में, उन्हें हम एज मनी स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था चैप्टर में एप्पल का, तो क्या हम एप्पल को अपने फ्यूचर में एज मनी सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वो एप्पल ख़राब हो जाएगा, तो वो क्या हो सकता है, हम उसे फ्यूचर में एज मनी सेव करके नहीं रख सकते। तो कमोडिटीज़ को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो नो, हम नहीं रख सकते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, मनी सर्व्स हाउ मेनी की रोल्स, यानी कि जो मनी है, ये मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मनी के क्या कितने इंपॉर्टेंट रोल हैं, यानी कि कितने की रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट कितने रोल हैं। तो 1, 2, 3 या 4, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं, आई होप आपको याद होंगे। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड है हमारा
कौन सा है आपको पता होगा, आई होप आपने अभी खुद को भी जवाब दे दिया होगा। यस, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये तीन क्या है हमारे, की ऑफ रोल है मनी के। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, सर्व्स एज मनी मस्ट नॉट बी डैश्ड बाय पीपल। यानी कि जो भी चीज़ को हमने क्या किया है, मनी की तरह से एक्सेप्ट किया है, वो जो जो लोग हैं उनसे क्या नहीं होना चाहिए, लोगों से इजीली क्या नहीं होना चाहिए, रिप्रोड्यूस एक्सेप्टेड बोथ एंड वी नन ऑफ द अबव। तो जो हमने चीज मनी के टाइप में क्या करी है, एज एक्सेप्ट की है। तो देखो अगर हमने मनी माना है तो लोगों ने क्या हो, क्या होगा, सो डेफिनेटली एक्सेप्ट तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पूछा नॉट, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, तो लेकिन लोगों ने तो एक्सेप्ट किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी भी गलत होंगे। अब बचा रिप्रोड्यूस और नन ऑफ द अबव। तो जो लोग हैं उनसे क्या होना चाहिए, पैसा बहुत ही आसानी से रिप्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते वक्त मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मनी हैज टू बी डैश, यानी कि मनी जो है वो क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, हार्ड टू कैरी, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो मनी है वो क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि जब हम चाहें, जैसे हम चाहें, तो इजीली हम क्या कर सकें, मनी को इधर से उधर लेके जा सकें। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ड्यूरेबल और नॉट। यानी कि अगर जो भी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो हमारा मनी है, वो लंबे समय तक चलना चाहिए या फिर नहीं। तो नो इट्स नॉट, नहीं नहीं चलना चाहिए। यस इट इज यस। जो हमारा मनी, जिसको जिस भी चीज़ को हमने अपना पैसा माना है, वो क्या होना चाहिए, लंबे समय तक के लिए हमारे फ्यूचर में चलना चाहिए। तो यस इट इज, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी MCQs थे तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।